सर, मेरा कहना है कि सर मैं प्रधानमंत्री जी के बाद का हर चीज का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ रुकने के लिए भी तैयार हूँ, बसरते हमें खाने का व्यवस्था होना चाहिए। हमारा सर मार्च का आधा सैलरी दिया, उसके बाद बोल रहा हूँ तो बोल रहा है अभी सैलरी नहीं मिलेगा। आप किस कंपनी से? मिराज एस्टिमेशन। मिराज एस्टिमेशन, भैया एक जना नाम लिख पा, नाम नोट करो कंपनी का। इसके बाद सर हम लोग तोशीबा के जीएम को भी फोन किए जी, तो ये तोशीबा की का मामला है। हाँ सर, ये तोशीबा का मामला है। तोशीबा के जीएम को भी कॉल किया था हम लोग सर कि यहाँ पे दिक्कत है हम लोगों को खाने के लिए। हेलो हेलो जी, हाँ मैं वही मौके पे ही हूँ, मौके पे मैं बात कर रहा हूँ, जरा लेवल से बात कर रहा हूँ। ये बताओ इसमें से तोशीबा के कितने लोग हैं, हाथ उठा के बताएं। अच्छा ठीक, सब लोग तोशीबा के हैं। ठीक, अभी रुको। डायरेक्ट तोशीबा कंपनी का कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं होता है। तोशीबा के नीचे जो अलग अलग कंपनियां हैं, कोई मिराज है, कोई पावर मैक है, उनके सब कर्मचारी है। तोशीबा का तो कोई, लेकिन मूल जिम्मेदारी तोशीबा की बनेगी ना, किसकी बनेगी? मूल जिम्मेदारी तोशीबा की है, मूल जिम्मेदारी तोशीबा की है ना। ठीक ठीक है। अच्छा अब ये बता और दूसरी समस्या बताओ। तो सर हम लोग तोशीबा के जीएम साहब को भी फोन किए। हाँ। तो सर हम लोगों को खाने का दिक्कत है, तो मैं हमारा सैलरी दिवा दीजिए जो बचा हुआ है, या कुछ खाने का व्यवस्था कीजिए। ठीक है। वो किसी और सर का नंबर दिए। ठीक। तो वो बोले कि ठीक है व्यवस्था कराता हूँ। हमारे जीएम साहब तोशीबा मिराज के जीएम से कॉल बात करा, वो बोले कि सर तो मैं व्यवस्था कराता हूँ। उसके बाद फिर वो हमारे जीएम फोन करा कि मेरा नाम मत लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर, वो भी पल्ला झाड़ लिया। यही सर मेन प्रॉब्लम है सर, हमारा सैलरी दिवा दीजिए। हमें केवल सैलरी का वो है, और कोई हो तो क्लियर कट बताना। सैलरी सर, एक सेकंड जरा, इनकी इनकी समय दो समस्या है। सब बताओ, इनकी समय दो समस्या है। एक तो हमारा पेमेंट क्लियर करा दिया जाए, और दूसरा हमें जो है, हल्ला मत करो भाई। आपके आपके दो समस्याएं हैं, पेमेंट क्लियर और घर जाने वाला। देखो अब मैं आपको बता दूं, सुनो अब मेरी बात सुन लो आप। पेमेंट के लिए मैं निरंतर इन लोगों से बैठक करता रहा हूं, और अभी आज फिर मैं इनसे वो करूंगा। और जहां तक आप लोग, अरे यार अब एक मिनट सुन लो, जहां तक आपके घर जाने की बात है, ये बात शायद आपको नहीं पता है, ये हमारे लेखपाल साहब को पता है और मलिक साहब को पता है। मैंने आप लोगों के नामों की स्टेट वार सूची बनवा ली है, बताइए मलिक साहब। बहुत बताया, मेरे पास रखी है सब लोग। सूची हम लोगों ने बनवा ली है स्टेट वार। सुन लो भाई यार, पहले हमारी बात, अगर स्टेट वार सूची बनवा ली है, और आप जैसे हम हमारे, अब आपने पेपर में पढ़ा होगा कि हम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट के लोग जो फंसे हुए हैं वो यहाँ आएंगे, इसी तरह से यहाँ के भी अपने स्टेट में जाएंगे। उसकी सूची हमने बनवा दी है, और वो सूची हम दूसरे स्टेट को भेज दिए, वहां से रिकमेंडेशन आते ही आप लोगों को वहां भेजा जाएगा। ये भेजने वाली बात तो ये समझ लीजिए आप। ठीक है सर, भेजने वाली बात। हाँ, लेकिन हम लोग को सैलरी से सर पैसा जो है सरकार के। अच्छा, सैलरी के लिए आप पांच आदमी तय कर लो, हम अभी मैनेजमेंट से बात करते हैं। अरे इनके भी सुनने दो, ये कुछ अपना अलग बताना चाहते हैं, सुनने दो इनके भी। देखो सब लोग कहोगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, जब एक आदमी बता रहा है। अरे ये तुम्हारा भाई खड़ा है, इसकी तो समस्या सब सुन लेने दो भाई। ये तुम्हारा भाई है,
अब यार सब अरे यार पहले एक आदमी बोल ले फिर तब बोलना तो अपना राज में योगी सरकार अपना राज में सारा आदमी को बुला लिया बुला रहा है आया नहीं है आया सर अरे भाई सब नहीं आए हैं जी व्यवस्था वही चल रही है सर कुछ आदमी तो आ गए हैं ना हम लोग का क्या यही मरेंगे कि हम लोग का फेंकना है यार सबको एक साथ थोड़े हो जाता है घर में खाना नहीं बनता है तो बड़े से छोटा कोई कुछ किसी को तो मिलता है लगता है व्यवस्था करना हो रही तो ऐसा कंपनी आपके अच्छा कैसे भेज दूंगा ये बताओ मैं कैसे भेज दूंगा ये बताओ बात लगातार चल रही है मेरी गाड़ी में अभी भी लेटर रखे हैं जो लेटर लिखे हैं मैंने जो मैंने लेटर लिखे हैं वो सब रखे हैं मेरे पास आगे उसको बढ़ाना है ना अब अपने पास में अरे फिर वही बात ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई अरे हम सारे लेटर लिखे हैं भिजवाए हैं उसी पर कार्रवाई चल रही है जाने के बारे में डेढ़ महीने से किसी ने कोई विचार नहीं किया क्या व्यवस्था चाहिए मुझसे बताओ आप क्या चाहिए उससे व्यवस्था नहीं आपसे यही करना है काम करते हैं और किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को मेरा नाम संदीप कुमार रहा है हमें जो सामने दिख रहा है पावर प्रोजेक्ट उसी में हम काम करते हैं एज ए वेल्डर और परेशानी तो जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से शुरू हुआ है 23 तारीख से लगभग एक दो दिन पुलिस वाले आए थे यहाँ पे हम लोग के मकान के सामने लेकिन वो लोग भी आश्वासन ही बस दिए और कोई सुनने वाला नहीं हम लोग को कंपनसेशन के रूप में 1 रुपया भी किसी से नहीं मिला अभी तक अपना ही जो भी हम लोग कमाए हैं 21 मार्च तक उसी में से जो ले रहे हैं एडवांस अपना खा रहे हैं और बाकी आश्वासन आज भी हम लोग ट्रक गेट की तरफ गए थे वहाँ पे भी DM साहब SDM SP वगैरह सबको आए थे वहाँ पे भी बस हम लोग को आश्वासन ही मिला जो अब हो जाएगा आप लोग के घर वापसी 2 दिन बाद हो जाएगा लेकिन अभी कोई आश्वासन ही बस मिला है उसके सिवा कुछ नहीं क्या नाम है आपका मेरा नाम मोनू कुमार सिंह पड़ेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं हम बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं यहाँ पर कहाँ पर नौकरी कर यहाँ पे हम तुसीवा में पावर प्लांट में हम काम कर रहे हैं आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोग हमें यहाँ पे परेशानी सामना करना पड़ रहा है जैसे कि हम यहाँ पे वर्कर हैं हम काम करने के लिए आए हैं बट हमको जितना दिन लॉकडाउन में है ना ही हमको खाने का कुछ व्यवस्था किया जा रहा है और ना ही जाने का व्यवस्था किया जा रहा है अगर मान लेते हैं खाने का व्यवस्था भी कर दिया है तो प्रॉपर हम लोग को केयर करना चाहिए जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कौन सा बीमारी से उलझे हुए हैं हमको कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक पर्सन होना चाहिए ना ही हमको प्रशासन ढंग से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है और ना ही हमारे जो भी ऑनर है वो ले पा रहे हैं जैसे कि बहुत सारे वर्कर हैं कि उनका पेमेंट ही नहीं हुआ है 2-3 महीना से और एडवांस मान लेते हैं कि 500 रुपया एक हफ्ता में दे रहा है लोग तो उसका क्या वैल्यू है 500 रुपये का आप खुद सोच सकते हैं कि 500 रुपये में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं एक हम लोग मतलब डे बाय डे हम लोग का भी फैमिली डिपेंड है अगर हम लोग को पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो फैमिली भी वहाँ पे कैसे सुख चैन से रहेगा इससे अच्छा या तो हमको यहाँ पे रखे तो अच्छे ढंग से रखे नहीं तो हमको घर भेज दें यही हम लोग का अपील है आज हम लोग गेट पे भी मतलब इकट्ठा हुए थे सभी मैन पावर एक साथ लेकिन वहाँ पे आ करके जो भी बड़े अधिकारी थे हमको खूब से खूब आश्वासन दिए हैं लेकिन इसके आगे जो प्रक्रिया है कि हमको घर भेजेंगे कि यहाँ पे पूरा फैसिलिटी देंगे ये एक डिसीजन निकलना चाहिए ना इसको आप लोग आगे बढ़ाएं ताकि हम लोग को या तो घर भेज दें नहीं तो यहीं पे अगर हम लोग हैं तो हम लोग का जो भी पेमेंट बन रहा है पेमेंट दें अब 2-3 महीने का पेमेंट हम लोग का बकाया है तो उससे हम लोग को कैसे धर्म कर्म चलने वाला है कितने इधर मजदूर हैं आप आज तो भीड़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे थे हज़ार टोटल मजदूर कितने मजदूर हैं जो प्लांट में अप्रोक्स 3-3.5 हज़ार मतलब मेन पावर है सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं मतलब यही यूपी बिहार झारखंड बंगाल मतलब हर जगह के रहने वाले हैं लोग आपको यही परेशानी सामना करना पड़ रहा है कि आपको कोई खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा हाँ खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है ना ही ढंग का मतलब हम लोग को कुछ भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले ही नहीं रहा है